नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल REC फंडा में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर है, जिसके अंदर इसकी जो टाइप है वो आपकी शेलन ट्यूब टाइप कंडेंसर है। शेलन ट्यूब टाइप कंडेंसर का मतलब ये है कि जो आपकी बाहर की बॉडी दिखाई दे रही है, ये आपकी शेल है, और अंदर जो आपको ये होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे ट्यूब्स हैं जिसके अंदर से आपका वाटर फ्लो करेगा। इसलिए इसका नाम पड़ा शेलन ट्यूब टाइप कंडेंसर। जैसा कि आपको बताया कि ये वाटर बेस्ड है, मतलब इसकी जो कूलिंग मीडियम है वो वाटर है, पानी है, उसकी सहायता से ठंडा करता है, इसलिए इसका नाम वाटर कूल्ड कंडेंसर है। और अब इसके पार्ट्स के बारे में यदि आपको बताया जाए, तो मैंने इसके पार्ट्स अलग कर लिए ताकि आप इजीली इसको देख सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो इसका एंड कवर है, ये जो इसको यहाँ पर एंड कवर इसके साथ में अटैच होगा, और साथ के साथ में ये इसकी गैस्किट है। गैस्किट का यूज़ आपको पता है कि गैस्किट का काम आपके वाटर के लीकेज को रोकना है। अब आप जिसमें देख रहे हैं, इसमें आपके दो पोर्ट हैं। ये आपके पानी के पोर्ट हैं, जो ऊपर वाला पोर्ट है ये वाटर का आउटलेट पोर्ट है, जो नीचे वाला पोर्ट है ये वाटर का इनलेट पोर्ट है। इनलेट पोर्ट का मतलब हुआ कि जो आपका पानी होगा, जिसकी सहायता से ठंडा होगा, वो पानी आपका यहाँ पर एंटर करेगा, इन ट्यूब्स की सहायता से सर्कुलेट होके वापस यहाँ से आके आउटलेट की तरफ चला जाएगा। उसी तरह दूसरी तरफ यदि हम देखें, तो दूसरे पोर्ट पे जो आपका एंड प्लेट है वो आपकी डेड है, मतलब कि जो पानी आपका आएगा यहाँ से सर्कुलेट करता हुआ जो आपकी चार डिस्ट्रीब्यूशन की सहायता से चला जाएगा। तो चार डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये फोर फ्लो टाइप का आपका सिस्टम है। फोर फ्लो टाइप का मतलब है कि आपका जो पानी है वो चार बार क्रॉस होके फ्लो करके आपके कंडेंसर से निकल के जाएगा। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसके इस पोर्ट पर आपका जो रेफ्रिजरेंट होगा वो इनलेट करेगा, और इस नीचे वाले पोर्ट से आपका रेफ्रिजरेंट आउट करके निकल जाएगा। अब आपको पता है कि जैसे इसमें रेफ्रिजरेंट बह रहे, कई बार ब्लॉकेज की वजह से या फिर कई बार सिस्टम में गैस इकट्ठी हो गई, ज़्यादा आ गई, तो इसके ब्लास्ट होने के चांस रहते हैं। इसलिए हमेशा यहाँ पे एक रिलीफ वाल लगाया जाता है, जब भी कभी एक्सेस प्रेशर होगा तो ये यहाँ से गैस रिलीज हो जाएगी, और आपको पता लग जाएगा कि सिस्टम में आपके कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। अब इसके पार्ट्स के नाम बताने के साथ साथ इसके बारे में हम बता दें कि जब भी इसकी क्लीनिंग करनी होती है, तो हमें मेनली इस पोर्शन को यहाँ से ब्रश की सहायता से क्लीनिंग करनी चाहिए। आपको पता है कि ये आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर है, वाटर के अंदर आपके जो पानी है, पानी सर्कुलेट हो रहा है, तो पानी सर्कुलेट होकर गर्म होके भी जाएगा। गर्म पानी को ठंडा करने के लिए आप कूलिंग टावर का यूज़ करेंगे। कूलिंग टावर में आपके कहीं ना कहीं कोई अशुद्धियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, तो उन अशुद्धियों की वजह से जब वो पानी दोबारा से इसमें सिस्टम में फ्लो करेगा, तो यहाँ पर आपके एक फॉलिंग प्रोसेस करेगा। फॉलिंग प्रोसेस का मतलब हुआ कि जो आपके सेडिमेंट्स हैं, जो आपके फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे ट्यूब के अंदर इकट्ठे हो गए, और यदि ट्यूब के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे तो कूलिंग आपकी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से इसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को जिसके द्वारा जो आपका सेडिमेंट्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, उससे फॉलिंग प्रोसेस कहते हैं। और उस फॉलिंग को निकालने के लिए जिस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं, वह डीस्किलिंग होती है। डीस्केलिंग हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, फिलहाल के लिए हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि जो एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके कितने क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कूलिंग करने के लिए। हालांकि इसका एक फॉर्मूला है कि जो आपकी कंडेंसर की कैपेसिटी है वो मास फ्लो रेट और मल्टीप्लाई में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई में टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस जो है जनरली 5 डिग्री का लिया जाता है। 5 डिग्री से अभिप्राय है कि जैसे आपका यदि बाहर का टेम्परेचर, जो पानी का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आप उसे 27 डिग्री तक लेके आना चाह रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 5 डिग्री है। स्टैंडर्ड आपका 5 से 12 डिग्री के आसपास रखा जाता है। जो आपकी कंडेंसिंग कैपेसिटी होती है, 5 डिग्री से 12 डिग्री के आसपास टेम्परेचर को डाउन करने के लिए आपका आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर यूज किया जाता है। तो एक जनरली कैलकुलेशन के हिसाब से यदि 5 डिग्री को आप काउंट करेंगे, तो आपके 1 टन की कैपेसिटी के लिए 9 लीटर प्रति मिनट की सप्लाई आपको चाहिए। तो उसी हिसाब से यदि आपका प्लांट कोई 5 टन का है, तो आप उसे उसके लिए 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका लगभग 45 लीटर प्रति मिनट आपको फ्लो रेट चाहिए। तो फिलहाल के लिए आपको एक हमने ओवरव्यू दे दिया, और इसकी डिस्केलिंग प्रोसेस के लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे चैनल की आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, नोटिफिकेशन है, वो आपको मिलती रहे। और साथ के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।